मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, विकास के काम अब रुकेंगे नहीं। बिजली का उत्पादन 2900 मेगावाट से हमने पहुंचा दिया है 28,000 मेगावाट। ऐसे ही किसानों के लिए हमने सिंचाई व्यवस्था 45 लाख हेक्टेयर कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि श्री महाकाल महालोक कब बना था, कोई आज चुनाव को देखकर थोड़ी ना बना है। सरगनपुर देवीलोक की कब बात हुई थी, अरे हम तो 17 साल से काम कर रहे हैं, 4 लाख किलोमीटर सड़कें कोई चुनाव देखकर बनाई क्या। कांग्रेसियों से मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस राजा और नवाबों ने 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की, 50 साल कांग्रेस ने राज करके कितनी सिंचाई की, हमने सिंचाई पहुंचा दी 45 लाख हेक्टेयर। चुनाव आ रहे हैं इसलिए कांग्रेस कह रही है कि मुख्यमंत्री जी इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं कि यहाँ पर भी लोग। अब महाकाल महालोक कब बना था, कोई आज आज चुनाव को देख कर बना है, पूरा हो गया, दूसरा चरण पूरा होने वाला है। सलकनपुर लोक की कब बात हुई थी, देवी लोक, अरे हम तो 17 साल से काम कर रहे हैं भाई, 4 लाख किलोमीटर सड़कें कोई चुनाव देख के बनाई क्या हमने। कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस राजा नवाब अंग्रेज सबने 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई करी, 50 साल में कांग्रेस ने राज करके कितनी सिंचाई करी, हमने पहुंचा दी 45 लाख हेक्टेयर। बिजली का उत्पादन 2900 मेगावाट था, हमने पहुंचा दिया 28,000 मेगावाट। विकास के नए प्रतिमान मध्य प्रदेश गढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा बिजली का उत्पादन 2900 मेगावाट था, हमने पहुंचा दिया 28,000 मेगावाट। विकास के नए प्रतिमान मध्य प्रदेश गढ़ रहा है। आप इंदौर देख लीजिए, कांग्रेस के जमाने में क्या था और आज क्या है। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर और शहडोल को भी देख लीजिए। विकास तो भारतीय जनता पार्टी में होता है। अब ऐसा थोड़ी है कि अब मैं विकास बंद कर दूं। विकास बंद नहीं होगा, विकास जारी रहेगा, जलने वाले जलते रहें। रीवा का उदाहरण दे रहा हूं, गेहूं का उत्पादन 4.5 गुना हो गया, जाके देख लें। धान का उत्पादन 5.5 गुना हो गया, सरसों का उत्पादन 35 गुना हो गया, मूंग का उत्पादन 7 गुना हो गया। अब कमलनाथ बेचारे किसान की बात क्या जाने भाई, खेती सूर्य का वास्ता क्या है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे, ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।